सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश ने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर, गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति स्वतः जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं। एक सम्मान का भाव, इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहारी मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वह उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बिहारी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां बाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बिहारी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4-4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो वो अकेले गोरखपुर जनपद में है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, आप लखनऊ से आइए, 4 लेन की कनेक्टिविटी और एक बार एक केवल गोरखपुर बस्ती अयोध्या होते हुए ही नहीं, अब तो आपको गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, जो दूरी पहले आपको 6-7 घंटे करने में, दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5-3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे
कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी? आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनौली मार्ग हो, या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने की शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर रुस्तमपुर ढाबा पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था, और वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर रामगढ़ ताल देखिए, रामगढ़ ताल रवि किशन के लिए, तो रवि किशन जी जैसे अभिनेताओं के लिए तो वास्तव में फिल्म की शूटिंग के बेहतरीन केंद्र बन गए हैं। अब मुंबई से अपना पूरा शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और यहीं पे उन्होंने पूरी यूनिट को ला करके उनके साथ तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों में थे उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहाँ आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं, और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के बेहतरीन केंद्र को के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई सोचता था, कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है। 19,000 से अधिक लोगों को, पटरी व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर से ठेला खोचा रेडी लगाने वाले इनको ब्याज फ्री लोन पर बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। गोरखपुर में आज व्यापक पैमाने पर रोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए निवेश व्यापक पैमाने पर हो रहा है, और बुनियादी सुविधाओं की भी वृद्धि हुई है। गोरखपुर से सटे हुए जिन क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, उस जल जमाव से मुक्ति के लिए जहां अभियान चलाए गए, वही नए नगर निकायों का गठन करने के साथ ही भक्सरा हो, उनवर हो, उरवा हो, कैंपियरगंज है, ये सभी नए नगर निकाय बनाए गए हैं, और इन सभी नए नगर निकायों के माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास और वहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम सरकार के स्तर पर उठाए गए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस सकारात्मक अभियान को जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद जो अब तक प्राप्त होता रहा है, राजनीति से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठता है तो परमार्थ का कार्य हो पाता है, और लोक कल्याणकारी कार्य अपने गांव, अपने जनपद, अपने कस्बे, अपने प्रदेश और अपने देश का विकास कराना ये किसी परमार्थ से कम नहीं है, और उस परमार्थ के साथ जुड़ना यह हर व्यक्ति के लिए पुण्यदायी हो सकता है। और आज उसी दृष्टि हम सब आपके बीच में यहां पर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5-3 घंटे से आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, उस उत्साह के लिए हम सबको सदैव तैयार होना होगा, हर सम विषम परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार होना होगा, और हमारा प्रयास होना चाहिए अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस दृष्टि नगर निकाय के संभावित चुनावों के साथ ही हम लोगों को प्रदेश के अंदर
आगामी फरवरी माह में 10 से 12 फरवरी में हम प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का और उसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार का एक अभियान प्रारंभ किया है। अपनी वीर की व्यवस्था अग्निपथ के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, भर्ती के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश सरकार पहले 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। लगातार मिशन रोजगार के अंतर्गत नौकरियां मिल रही है और हम लोगों ने तय किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति स्कूल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है, विश्वविद्यालय बनाता है, चिकित्सालय बनाता है, एमएसएमई में किसी भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारी उद्योग में कहीं भी निवेश करता है, वह हमारे लिए वरण्य है, अभिनंदनीय है और सरकार ने इसके लिए 25 प्रकार की पॉलिसी बनाई हुई है। आप उसमें आवेदन करिए, आपको न केवल उसके माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उन सुविधाओं के माध्यम से सरकार को मिलने वाली इंसेंटिव भी ऑनलाइन आपके अकाउंट में स्वतः आप ही दिखाई देगी। और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आज सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का, गोरखपुर को उत्कृष्टतम स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को निवेश के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को एक पर्यटन के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को एक बेहतरीन रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने का। और उस दिशा में मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं, हर फील्ड में संभावनाएं हैं। उस फील्ड की संभावना के साथ हम सबको जुड़ना होगा और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं। ये 950 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का स्वागत आज गोरखपुर जनपद वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विकास का एक क्रम निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर चलता रहे, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगा, हमारे जीवन को समुन्नत करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ करके अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर स्थानीय निकाय का जो एक प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, सभी प्रबुद्ध जनों से मैं आह्वान करूंगा कि गोरखपुर जनपद को भी उस सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा मानना, अगर प्रबुद्ध जन नहीं होते तो हम गोरखपुर में कभी सफल नहीं हो पाते। मैंने देखा पिछले 25 वर्षों के अंदर गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई, गोरखपुर की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे को लेकर के जब भी हम लोगों ने आंदोलन को किया है, गोरखपुर का प्रबुद्ध जन और गोरखपुर का आम नागरिक सदैव हमारे साथ खड़ा हुआ है और खड़े होकर के विकास, सुशासन और बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए सदैव मेरे साथ, हमारे अभियान के साथ खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और आज मैं फिर से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, अब उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें और अच्छे मॉडल खड़े करने होंगे, अलग अलग क्षेत्र में मॉडल खड़े करने होंगे। हमें अपने नौजवानों के लिए, अपने शिक्षा केंद्रों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए, अपने किसान प्रगतिशील किसानों को खेती किसानी के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप स्थापित करने और एफपीओसी गठन करने की दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे। बेहतरीन यहां पर इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं, हर एक फील्ड में अगर हम कुछ नयापन करते हैं, वो अपने आप में एक मॉडल बनेगा और उस मॉडल के लिए आज जिसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर की तरफ देख रहा है, बिहार का एक बड़ा भूभाग गोरखपुर की तरफ देखता है, नेपाल का एक बड़ा भूभाग विकास के लिए गोरखपुर की तरफ देखता है कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल भी है तो चिड़ियाघर भी है, गोरखपुर में एम्स है तो गोरखपुर में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा भी हो चुकी है,
कनेक्टिविटी बेहतरीन हो चुकी है और फिर इसको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं और इसमें हर तबके के नागरिक की सेवकता बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। जिस भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी, वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्यमिता के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, समाज सेवी हो, या फिर किसान हो, या नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, श्रमिक हो, आर्टिजन्स हो, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य करना है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी और उस भूमिका के साथ हम सबको जोड़ने की कार्रवाई और उसके माध्यम से गोरखपुर को एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हम सब सार्थक प्रयास कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर जो 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया कि पहला कार्य है जिसमें गोरखपुर देवरिया बाईपास जो है इसको अब तक जो 2 लेन का था इसको 4 लेन के रूप में हम लोग लेके जा रहे हैं। 4 लेन का एक कार्य होगा, एक बेहतरीन मार्ग बनेगा, जाम की समस्या का समाधान होगा। दूसरा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के पैडले बस तक 6 लेन का एक फ्लाईओवर और देवरिया के लिए बाईपास के लिए 4 लेन का एक फ्लाईओवर का आएगा इसके साथ में। जाम की समस्या का समाधान रुस्तमपुर ढाला के पास आजाद चौक के पास जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा, लोगों का